नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गोलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ यूपी। संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि उनका नाम लेने भर से ही हनुमान जी भक्तों के सारे कष्ट संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देव माने जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित हैं। अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्ट सिद्धि और नवृद्धि का वरदान मिला है। इसी वरदान और अपने इष्ट श्री राम की कृपा के कारण हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट हरने में सक्षम हैं। माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में संकट मोचन हनुमान जी को बड़ी आस्था के साथ पूजा जाता है। इसके अलावा बंदर को हनुमान का ही रूप माना जाता है और उन्हें दूत भी कहा जाता है। इसी बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हनुमान जी का दूत रामायण के पन्ने पलटते हुए नजर आ रहा है। दरअसल वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से सामने आया है, जहां जिले के एक हनुमान मंदिर में बीते मंगलवार को बजरंगबली की प्रतिमा के पास बैठकर बंदर रामायण के पन्ने पलटता हुआ नजर आया। एक बार आप भी देखिए उस वीडियो को। तो देखा आपने कि किस तरह से बंदर रामायण के पन्ने पलटते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोग इसे आस्था से जोड़कर बंदर का दर्शन पूजन कर रहे हैं। बता दें कि कुंडा कोतावली के सुभाष नगर मोहल्ले का ये हनुमान मंदिर है, जहां हर मंगलवार शाम के वक्त सुंदरकांड का पाठ होता है। इस तरह बीते मंगलवार की शाम भी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, जिस बीच करीब 7 बजे के आसपास मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा के पास एक बंदर पहुंचा और वहां रखी रामायण की एक किताब उठाकर पन्ने को पलटने लगा। वहीं दूसरी तरफ भक्त पाठ करने में मशगूल थे, लेकिन किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जिनमें बंदर लगभग 15 मिनट तक रामायण के पेज पलटता हुआ नजर आया। तो वहीं इस वीडियो के सामने आते ही इस घटना को हनुमान भक्त आस्था से जोड़कर देखने लगे हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में भीड़ जमा हो गई। सभी ग्रामीण बंदर को हनुमान का रूप मानने लगे और दर्शन पूजन करने लगे। 20 मिनट बाद बंदर मंदिर परिसर से चला गया। अब भक्त इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं और इस घटनाक्रम के वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर पसंद किया जा रहा है। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।